लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोरखपुर के मंडलायुक्त सभागार में संबंधित अधिकारियों से कहा कि आगामी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को सशक्त आत्मनिर्भर बनाए रखने के लिए शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसका 100% अनुपालन करते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाओं को जीविकोपार्जन के लिए उन योजनाओं का लाभ दिया जाए। इस दौरान एडीजी जोन अखिल कुमार, आईजी रेंज राजेश मोडक, मंडलायुक्त जयंत नालिकर, जिलाधिकारी के विजयन पांडेन, जोगिंदर कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। पिछले नवरात्र में प्रदेश में चलाया गया, उसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया तो 25 फरवरी को चीफ सेक्रेटरी साहब के दस्तक से एक नया अभियान सेकंड फेज जो है 27 पंचायती राज, सूचना, पशुपालन, दुग्ध विकास, चीनी उद्योग, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, अल्पसंख्यक प्रभारी मंत्रियों को आमंत्रित करेंगे। अपने माननीय सांसद, अपने माननीय विधायक और भी जो प्रमुख गण है, विशेष महिलाएं हैं, ये मॉनिटरिंग सेल की मीटिंग का एजेंडा भी किस रूप में मॉडल एजेंडा क्या होगा वो दे दिया है, तो मॉनिटरिंग सेल की मीटिंग भी करके जो डीएम गोड्डा, डीएम कुशीनगर, जिला देवी पाटन मंडल में बहुत ही कम काम हुआ है, तो डीएम गोड्डा बताइए, जिलाधिकारी गोड्डा, महिला अपराध की जो कोर्ट्स हैं, जो पॉक्सो की जो कोर्ट्स हैं, उन पर भी एक विशेष ड्राइव और अभियान चलाया गया था। कल जो है प्रमुख सचिव न्याय के साथ महिला कल्याण विभाग से विशेष रूप से सहयोग लेकर, सूचना विभाग से विशेष रूप से सहयोग लेकर और पुलिस विभाग का पूरा जो है तंत्र को सहयोग लेकर इस पूरे कार्यक्रम को जो है प्रारंभ, ऐसी